हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। चौरी चौरा थाना क्षेत्र में दबिश देने गई पुलिस पर बदमाशों ने बरसाई गोली, 3 पुलिसकर्मी घायल। एसएसपी ने बदमाशों पर घोषित किए 25,000 के इनाम, कहा जल्द होगी गिरफ्तारी। संदिग्ध परिस्थितियों में तड़प तड़प कर मरी ऐतिहासिक सूर्यकुंड धाम पोखरे में हजारों मछलियां, मौके पर पहुंचे नगर आयुक्त पोखरे को साफ कराने के दिए निर्देश। त्योहारों के मद्देनजर आधी रात को सड़क पर निकले पुलिस के आला अधिकारी, कानून व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा। एडीजी ने कहा त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस है तैयार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जिलाधिकारी ने की समीक्षा, भ्रूण हत्या रोके जाने के दिए निर्देश, कहा बेटी पैदा होने पर करे खुशियों का इजहार। टेराकोटा उद्यमियों के लिए लगा जीएसटी कैंप, अब ऑनलाइन कर सकेंगे अपने उत्पादों की बिक्री। मूर्ति विसर्जन के लिए निर्माणाधीन पोखरे का एसएसपी ने किया निरीक्षण, कहा रखे गए हैं सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाओं पर नजर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई धान खरीद की समीक्षा बैठक, कहा 9,01,400 मैट्रिक टन निर्धारित है धान खरीद का लक्ष्य, समय से करे पूरा। विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान और पूर्वांचल संग्रहालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित वस्त्र प्रदर्शनी में दिखी कई प्रदेशों के वस्त्रों की झलक। गोरखपुर विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा में अध्यापक की भूमिका विषय पर आयोजित हुआ विशिष्ट व्याख्यान, वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। महानगर में 3 जगहों पर प्रशासन ने किया मूर्ति विसर्जन की वैकल्पिक व्यवस्था, इन 3 जगहों पर तेजी से चल रहा है 5 कृत्रिम पोखरे का निर्माण कार्य। टेराकोटा उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1 नवंबर से 5 नवंबर तक चलेगा दिवाली मेला, उपायुक्त उद्योग ने दी जानकारी। विश्वविद्यालय के एक छात्र पर लगाए गए प्रतिबंध को वापस लेने की मांग को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। SC/ST एक्ट के विरोध में नागरिक मोर्चा ने किया सम्मेलन, अतिथियों ने कहा एक्ट खत्म होने तक चलता रहेगा आंदोलन। बकाया मानदेय न मिलने के विरोध में उपवास पर बैठे ग्राम रोजगार सेवकों ने 6वें दिन विक्षाटन का जताया विरोध। नवरात्र पर्व पर मंगला देवी मंदिर में गूंजे भक्ति गीत, माँ दुर्गा की गई आराधना। स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर लखनऊ सीनियर बालिका वर्ग की टीम पहुंची 64वीं प्रदेशीय विद्यालय सब जूनियर और सीनियर बालक बालिका हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में। स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर की जूनियर बालिकाएं भी पहुंची प्रतियोगिता के फाइनल में।